नमस्कार, हूँ भरत साधु, आप निहाळी रह्या छो रामदळ। रामदळ रामानंदीय परंपरा ने उजागर करी रह्यु छे। जन जन ने, घर घर ने सनातनी परंपरा नी मूळ धारा साथे जोड़वानो अद्भुत प्रयास करी रह्यु छे। रामानंदीय परंपरा अनादि परंपरा अने आ परंपरा ना गृहस्थ अने विरक्त साधुओ भारतवर्ष में वसवाट करे छे। आ साधुओ जन्मे तो पण जगतनु कल्याण करता होय छे अने जगत छोड़ीने जाय, साकेत गमन करे तो पण जगतनु कल्याण करता होय छे। त्यारे आवाज एक साधु देवमुरारी परिवार एटले के साकेतवासी त्रिभुवनदास बापू देवमुरारी केशवाला, हाल अमरेलीनो भव्य भद्रोत्सव बाळ हनुमान अमरेली खाते योजायो। रामानंदीय परंपरा एटले के जगत उद्धारक परंपरा, जन जन ने जगाड़ती परंपरा अने सत्य सनातन धर्म प्रभुनी भक्ति भक्ति ने लोक हृदय में स्थापित करती परंपरा। आ परंपरा गृहस्थ अने विरक्त साधुओं जगतनु कल्याण करता होय छे, जीवमात्रनु कल्याण कर्युं छे, जगतने सीताराम बोलता शीखवाड्युं, जीवन जीवता संसार में रहीने प्रभुनी भक्ति केम करवी ए पण शीखवाड्युं छे। साधु जन्मे तो पण जगतनु कल्याण करे अने आ साधुओ जगत छोड़ीने जता होय तो पण जगतनु कल्याण करे छे। त्यारे रामानंदीय परंपरा में ए साधुओ ज्यारे साकेत गमन करता होय छे त्यारे भव्य भद्रोत्सव थता होय छे। अने आवो ज एक भव्य भद्रोत्सव बाळ हनुमान खाते देवमुरारी परिवारमांथी साकेतवासी स्व त्रिभुवनदास बापूनो भव्य भद्रोत्सव योजायो। संतोना सामयाथिया इष्ट आराध्यनु पूजन अने धर्मसभा महाप्रसादनु आयोजन देवमुरारी परिवार द्वारा मूळ केशवाळा हाल अमरेली द्वारा करवामां आव्युं हतुं। देवमुरारी परिवार द्वारा संतोनुं सन्मान पण करवामां आव्युं हतुं अने एक भव्य भद्रोत्सवनुं आयोजन बाळ हनुमान खाते देवमुरारी परिवार द्वारा करवामां आव्युं। संयुक्त गामनो सोरो, गामनो पंच त्यां, गामनी सभा त्यां, गामनो सोरो भेगू करवानुं काम करतो तो मारान तमारा वडवाए ने हजी आजनी तारीखे मे अने तमे एनी टंकोरी वागी वगाडी छे। एटले गड़बड़ होय तो ध्यान राखजो के ई भेगू करवानुं काम करता था, एटले आपणे कायम भेगू रहेवू जोईए। त्रेता युगमां थया आ क्रांति, त्यांथी एनो जन्म, क्रांतिनो त्यांथी थयो। અસ્પૃશ્યતાનો સ્વીકાર કર્યો, કેનો સ્વીકાર કર્યો? એક સ્ત્રીને કલંકિત કીધી, ગૌતમ ઋષિના પત્નીને કલંકિત કીધી, બધાને ખબર પડી કે એનાથી આ પાપ થયું છે, એને પાપ નહોતું કર્યું, તરસોડાયેલી જગત સમાજથી, તરસોડાયેલી સમાજથી કલંકિત એક સ્ત્રી હતી, એ કોઈને મોઢું ન શકાય બતાવે, એટલે પથ્થર નથી બની, જળવત બની હતી, એ જળવત બની હતી, તો પેલા વેલો જે સમાજથી તરસોડાયેલું હોય, સમાજથી કલંકિત હોય, એનો સ્વીકાર આપણા રામે કર્યો તો તમે ધ્યાન રાખજો, કોઈક આવું હોય તો સ્વીકાર કરો, હે, એ વખતે ક્રાંતિ થઈશ।